मेरे को समझ में नहीं आता कि आजकल जब भी बीसीसीआई को कोई बायलेटरल सीरीज खेलने का निमंत्रण आता है तो उनका हाल उस विमान में सफर करते फर्स्ट टाइम यात्री की तरह हो जाता है, जिसके सामने जब भी कोई खूबसूरत एयर होस्टेस हॉट टॉवल और पानी पीने का प्रस्ताव आगे रखती है तो वो यात्री अपनी मुंडी इस तरह फड़फड़ाने लग जाता है मानो वो एयर होस्टेस ने इनके गाल पे गीली चुम्मी धर देनी हो। अबे दो दिन नहीं हुए वर्ल्ड कप हारे हुए, कभी आईपीएल के ऑक्शन चल रहे हैं, कभी साउथ अफ्रीका में सीरीज हो रही है, अब तुमने अफगानिस्तान को बुला के उनके साथ T20 सीरीज रख मारी है। अबे कितना क्रिकेट दिखाओगे बे, ऊपर से इंडियन टीम में ऐसे बदलाव करते रहेंगे मानो किसी चिलगोजे चड्डी चोर बच्चे की बर्थडे पार्टी में म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा हो। अब लास्ट कुछ महीने से वो युजवेंद्र चहल को टीम से निष्कासित कर रखा है, बाद में फिर जब वो आईपीएल का हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाएगा तो उसको किसी चमन चिरकुट T20 बायलेटरल सीरीज में वापस से गिल्ली डंडा पीटने के लिए बुला लेंगे, फिर जब T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो वापस उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसको होनोलुलु को रवाना कर देंगे, जो बंदा आईपीएल में विकेट चटकाने लग जाता है उसको इंडियन टीम की टोपी थमा देंगे, ओह आपने पिछले आईपीएल में 20 विकेट लिए थे ना, ये लीजिए इंडियन टीम की टोपी, और ये आपने कितने 600 रन मारे थे, ये लीजिए आप भी इंडियन टीम की टोपी पहनिए। जब T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन की बारी आएगी ना तो हम लोग वही 15 प्लेयर्स लेंगे जो पिछले 10 साल से वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, क्या और सबसे ज्यादा जो देखने वाली जनता है जो आम जनता है उसको तो हम लोग वैसे ही 50 साल से टोपी पहना रहे हैं उनको हम लोग फिर से टोपी पहनाएंगे। कभी संजू सैमसन को खिलाते हो, कभी रवि बिश्नोई को खिलाते हो, कभी युजवेंद्र चहल को खिलाते हो, कभी जितेश शर्मा को खिला रहे हो, कभी शिवम दुबे को खिला रहे हो, कभी तिलक वर्मा को खिला रहे हो, अबे कितने प्लेयर ट्राई करोगे बे।